Hello kids, today we are going to learn identify even and odd number. आज हम लोग सीखेंगे even and odd number की पहचान करना. To learn this, I write counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 from top to bottom. Now we create boxes इन फ्रंट ऑफ द नंबर. हम लोग नंबर के सामने बॉक्स क्रिएट करते हैं. सो दिस इज बॉक्स इन फ्रंट ऑफ वन, दिस इज बॉक्स नंबर टू इन फ्रंट ऑफ टू, दिस इज बॉक्स नंबर थ्री इन फ्रंट ऑफ थ्री एंड सो ऑन. दिस इज बॉक्स नंबर एट इन फ्रंट ऑफ एट एंड दिस इज टेन एंड इन फ्रंट ऑफ टेन हेयर इट इज द बॉक्स क्रिएटेड. क्लियर? Now, to identify even and odd number, even and odd number की पहचान करने के लिए I put circle, number of circle according to their numbers. Number के according हम circle को box में बनाते हैं. ठीक है? So, here it is number one circle लीजिए, put here. Here it is two circle created. Here it is three circles, 1, 2, 3 circle created. Here it is number 4, so I create 4 circles in this box. Here it is 5, I create 5 circle in this box. Here it is 6, I create 6 circle in this box. Here it is 7 के सामने हमने 7 सर्किल को बनाया. 8 के सामने हमने 8 सर्कल्स को बनाया. क्लियर? 9 के सामने जो बॉक्स है उसमें हमने 9 सर्कल्स बना दिए और 10 नंबर के सामने जो बॉक्स है उसमें 10 सर्कल्स को हमने बनाया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लियर? नाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज इवन एंड विच वन इज ओड नंबर. हमें पहचान करना है कि कौन इवन है और कौन ओड है. टू लर्न दिस यू शुड रिमेंबर ए फैक्ट. वी हैव टू पेयरिंग द सर्कल्स ड्रॉन इन द बॉक्सेस. बॉक्सेस में जो सर्किल बनाए गए हैं उसका हमें पेयर करना है. क्लियर? पेयर करना है. पेयर मीन्स, डू यू नो पेयर? लर्न pair means two things put together, then that two thing is in called pair. दो चीज जब एक साथ रखी जाती है, क्लियर, तो ये दोनों चीजें pair में कहलाता है. ठीक है? Therefore, here it is one. This circle here it is one and one circle put in this box. क्लियर? दिस सर्किल इज अलोन, वी कैन नॉट क्रिएट पेयर. इसका पेयर क्रिएट नहीं कर सकते हैं बिकॉज नंबर वन एंड वन सर्किल इज ड्रॉन. क्लियर? सो दिस इज मिस पेयर, दिस इज मिसिंग पेयर. ये पेयर मिस करता है, इससे पेयर नहीं बनाया जा सकता. क्लियर? तो वैसे नंबर जिसके सामने बॉक्स बने हुए हैं और उसमें अगर पेयर नहीं बनेगा, इट मीन्स मिसिंग पेयर होगा, तो ये ओड नंबर कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? ओड नंबर कहलाएगा. नाउ फॉर द नंबर टू, हियर इट इज टू सर्कल्स ड्रॉन. क्लियर? दो सर्कल यहाँ खींचे गए हैं. इन दोनों सर्कल में क्या है? It completes the pair. Two circles are put together. यहाँ पर दो सर्किल रखे गए हैं एक साथ. ठीक है? Therefore, this two circle is in pair. ये this completes the pair. इस बॉक्स में pair complete होता है. Clear? So, where the pair is completed, then that number will be इवन नंबर. जिस बॉक्स में पेयर कंप्लीट हो जाएगा वो नंबर इवन नंबर कहलाएगा. क्लियर? नाउ हियर इट इज
थ्री एंड इन फ्रंट ऑफ थ्री द थ्री सर्कल्स आर पुट टुगेदर इन ए बॉक्स. नाउ पेयर इट. अब हम इसका पेयर करते हैं. सो वन एंड टू वन पेयर इज कंप्लीट. एंड नाउ वन एंड सेकेंड सर्किल इज नॉट ड्रॉन हेयर बिकॉज इट इज थ्री एंड थ्री सर्किल्स ही यहाँ बनाया गया है. क्लियर. सो दूसरा पेयर इसका क्या करता है. सेकेंड पेयर इज मिसिंग. इसका सेकेंड पेयर क्या कर रहा है. मिस कर रहा है. देयर फोर थ्री इज एंड ओड नंबर. देयर फोर थ्री इज एंड ओड नंबर. अगेन गो अहेड. नाउ इट इज फोर एंड आई पुट फोर सर्किल्स इन दिस बॉक्सेस. इस बॉक्स में हमने फोर सर्किल डाला. क्लियर. नाउ पेयर इट. इसको पेयर करिए. हेयर इट इज टू पेयर्स कंप्लीटेड. यहाँ पर दो पेयर कंप्लीट होता है. नथिंग नो सर्किल. नो सर्किल इज लेफ्ट. कोई सर्किल बाकी नहीं रह गया है पेयर मैच कराना. क्लियर. सो दिस इज बिकॉज द पेयर टू पेयर्स आर कंप्लीटेड हेयर देयर फोर फोर इज एन इवेन नंबर. इसलिए फोर क्या है. इवेन नंबर है. नाउ गो अहेड. इट इज फाइव एंड आई पुट फाइव सर्किल इन दिस बॉक्स. क्लियर. हियर इट इज वन पेयर कंप्लीटेड एंड अदर पेयर इज ऑल्सो कंप्लीटेड बट कंप्लीटिंग द पेयर थ्री वन सर्किल इज मिसिंग. सो दिस इज अगेन मिसिंग पेयर एंड मिसिंग पेयर इज एन ओड नंबर. क्लियर. मिसिंग नंबर क्या. मिसिंग पेयर क्या है. ओड नंबर है. नाउ लर्न अहेड. हियर इट इज सिक्स. वन टू कंप्लीट्स पेयर. वन टू पेयर कंप्लीटेड. वन टू पेयर कंप्लीटेड. सो इन सिक्स इन फ्रंट ऑफ सिक्स द पेयर इज कंप्लीटेड हेयर. पेयर क्या है यहाँ पर. कंप्लीट हो जाता है. थ्री पेयर्स यहाँ क्या है. कंप्लीट हो जाता है. देयर फोर दिस इज एंड इवेन नंबर. सिक्स इज एंड इवेन नंबर. नाउ लर्न अहेड. सेवन काउंट द सर्किल. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. क्लियर. हियर इट इज पेयर नंबर वन पेयर नंबर टू पेयर नंबर थ्री. इसका पेयर कंप्लीट नहीं होता है. मिसिंग पेयर है ये. क्लियर. मिसिंग पेयर है. देयर फोर मिसिंग पेयर विल बी ओड नंबर. देयर फोर सेवन इज एन ओड नंबर. नाउ लर्न अहेड. एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. क्लियर. हियर इट इज फर्स्ट पेयर कंप्लीटेड. अगेन सेकेंड पेयर कंप्लीटेड. अगेन थर्ड पेयर इज कंप्लीटेड ऑल्सो एंड फोर्थ पेयर इज कंप्लीटेड ऑल्सो. ऑल पेयर्स आर कंप्लीटेड हियर. क्लियर. नो मिसिंग पेयर. ऑल पेयर्स आर कंप्लीटेड. यहाँ पर सभी पेयर कंप्लीट होता है. यहाँ कोई मिसिंग नंबर मिसिंग पेयर नहीं है. क्लियर. सो कंप्लीटेड पेयर नंबर विल बी इवेन नंबर. सो एट इज इवेन नंबर. सो एट इज एन इवेन नंबर. नाउ इन फ्रंट ऑफ नाइन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. क्लियर. हियर वन टू मेक्स ए पेयर. मेक्स फर्स्ट पेयर. दिस वन टू मेक्स सेकेंड पेयर. दिस वन टू मेक्स थर्ड पेयर. दिस वन टू मेक्स फोर्थ पेयर. बट फिफ्थ पेयर इज मिसिंग. यहाँ पर क्या है. फिफ्थ पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है. फिफ्थ पेयर क्या है. मिसिंग है. क्लियर. देयरफोर मिसिंग पेयर विल बी मिसिंग पेयर विल बी ओड नंबर. क्लियर. मिसिंग पेयर विल बी ओड नंबर. जिसमें मिसिंग पेयर मिस करेगा वो ओड नंबर कहलाएगा. क्लियर. देयरफोर नाइन इज एन
ओड नंबर, क्लियर। नाउ सी हियर, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मेक इट पेयर, इसका पेयर बनाइए। वन पेयर इज कंप्लीट, सेकेंड पेयर इज कंप्लीट, थ्री पेयर इज कंप्लीटेड, फोर्थ पेयर इज कंप्लीटेड एंड फिफ्थ पेयर इज कंप्लीटेड। ऑल पेयर्स आर कंप्लीटेड हियर इन नंबर 10, क्लियर। सो दिस इज बिकॉज द पेयर्स आर कंप्लीटेड, सो 10 इज एन इवन नंबर। नाउ आई थिंक यू लर्न वेरी वेल टू आइडेंटिफाई इवन नंबर एंड ओड नंबर। इवन नंबर ओड नंबर पहचानने के लिए क्या है कि बॉक्स में जब पेयर मिस करेगा देन दैट नंबर विल बी ओड नंबर, बॉक्स में जब पेयर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर, देन दैट नंबर विल बी इवन नंबर। वेरी क्लियर। नाउ यू शुड रिमेंबर थ्री थिंग्स, थ्री फैक्ट्स, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर थ्री फैक्ट्स। आपको तीन फैक्ट्स हमेशा याद रखना है, क्लियर। द नंबर्स दैट एंड विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। नंबर्स जिसके जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड करता हो, 0, 2, 4, 6, 8 से एंड करता हो, वो हमेशा इवन नंबर होगा। वो क्या होगा, हमेशा इवन नंबर होगा। मतलब कि जो नंबर लास्ट करेगा 0, 2, 4, 6 एंड 8 से, वो नंबर हमेशा इवन नंबर होगा। सो 2 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, 6 इज एन इवन नंबर, 8 इज एन इवन नंबर, हियर इट इज 0 इट इज इवन नंबर, क्लियर। नाउ सेकेंड फैक्ट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, आपको दूसरा फैक्ट भी हमेशा याद रखना चाहिए, क्या, द नंबर्स दैट एंड विथ 1, 2, 3, 5, 7, 9 नंबर, 1, 2 विल नॉट बी हियर, द नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 द नंबर्स दैट एंड विथ 1, 3, 5, 7, 9 नंबर जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा, दैट नंबर विल बी ओल्ड नंबर। सो लर्न हियर, 1 इच हियर, नंबर्स के लास्ट में क्या है, यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है इसलिए लास्ट यहाँ तो दिखना नहीं है, क्लियर। सो 1, 3, 5, 7, 9 इज आर ओल्ड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9 आर ओल्ड नंबर्स, क्लियर। यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, आप इसे हमेशा याद रखें कि अगर लार्ज नंबर हो, क्लियर, अगर लार्ज नंबर हो माने 2-3 डिजिट से बना हुआ अगर नंबर हो और देखें कि इसके लास्ट में इट मीन्स वंस प्लेस पर अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, देन दैट नंबर विल बी इवन नंबर, तो वो नंबर इवन नंबर होगा, क्लियर। एंड कोई लार्ज नंबर है और उसमें ये देख ले कि नंबर के वंस प्लेस पर माने नंबर्स के लास्ट प्लेस क्या होता है, वंस प्लेस होता है, तो वंस प्लेस पर यदि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, देन दैट नंबर विल बी ओड नंबर, वो नंबर क्या कहलाएगा, ओड नंबर कहलाएगा, क्लियर। वन मोर थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज आपको और याद रखना चाहिए, वो क्या है कि 0 इज नाइदर एन इवन नॉर एन ओड नंबर। 0 न तो इवन नंबर है और ना ओड नंबर है, बट व्हेन द नंबर लास्ट विथ 0 एंड विथ 0 दैट नंबर विल बी इवन नंबर। 0 न तो इवन नंबर है और ना ही ओड नंबर है, बट जब कोई नंबर के लास्ट में 0 अगर आ जाएगा देन दैट नंबर विल बी इवन नंबर। गुड।